हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। जनरल नॉलेज वाले सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे और स्टेट वालों के लिए खास करके ये स्पेशल मैंने बनाया हुआ है, तो इसको देख कर ही जाए एग्जाम में। टॉप 50 आप लोग को क्वेश्चन हम देंगे हर एक सीरीज में। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो जीके का जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस सेट में। पहला क्वेश्चन है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो है सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, वीनस है, मार्स है या जुपिटर है? सबको पता होगा कि वीनस है। अगर आंसर पता है तो कॉमेंट बॉक्स में आंसर करें फटाफट। ठीक है, वीनस मतलब शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस है उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? आजाद थे, एम ए जीना यानी मोहम्मद अली जीना थे, या बदरुद्दीन तैयब जी थे, या एपीजे अब्दुल कलाम थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थे, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज एट। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पे है बताइए फटाफट। न्यू दिल्ली में है, इस्लामाबाद में है, काठमांडू में है या कोलंबो में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज। आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, इंग्लैंड में है, सिडनी में है या दुबई में है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दुबई के आबू धाबी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी। अब किसका ये पॉलिसी था कि एक पीपल होगा एक स्टेट में और एक लीडर? ठीक है, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर किसका था? स्टालिन का था, हिटलर का था, लेनिन का था या मुसोलिनी का था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर। ठीक है, हिटलर जो थे वो उन्हीं का ये कथन था कि वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिवर दैट फॉलोज थ्रू दिल्ली। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? गंगा, इंडस रिवर बहती है यानी सिंध नदी बहती है, यमुना बहती है या नर्मदा बहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। नेम ऑफ द प्लांट इम्पोर्टेंट फॉर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के लिए कौन सा प्लांट इम्पोर्टेंट होता है? सेरीकल्चर का मतलब होता है कृषि, वैसा कृषि जिसमें रेशम के कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, उसको पी हो गया, लेगम्स हो गया, मलबेरी हो गया या कसिया हो गया। ठीक है, देखिए ये पी मटर होता है, ये दोनों मटर का ही एक प्रजाति होता है, ये दालचीनी का एक प्रजाति होता है और मलबेरी का। ठीक है, मलबेरी से ही बनता है हमारा सेरीकल्चर यानी रेशम का खेती किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब इज फेमस फॉर, पंजाब किस लिए फेमस है? नायलन टेक्सटाइल के लिए, सिल्क टेक्सटाइल के लिए, वुलन टेक्सटाइल के लिए या कॉटन के लिए? फटाफट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वुलन टेक्सटाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द यूनेस्को हेडक्वार्टर। ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में है, ऑस्ट्रिया में है, पेरिस में है या वियना में है? सबको पता होगा इसका करेक्ट आंसर, जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। मीठे पानी का जो फ्रेश वाटर का जो झील है, सबसे बड़ा झील कौन सा है इंडिया में? पुलिकत झील है, ठीक है, वीरानम झील है, चिल्का झील है, अबुलर झील है? तो सबको पता होगा अबुलर झील है ये, और ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गवर्नर जनरल हु एबोलिश्ड, जो एबोलिश्ड किए हैं सती प्रथा को। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय रॉय जो थे 1829 में किसके साथ मिलके, किस उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन से थे जिनके साथ मिलके सती प्रथा को खत्म किए थे? लॉर्ड क्लाइव यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इनका नाम था, कर्जन थे, विलियम वेंटिक थे या डलहौजी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिक। बहुत अच्छे ये गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मिल के और ये बाल विवाह और सती प्रथा को दोनों को खत्म किया राजा राम मोहन रॉय के संग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है या ट्राइक्लोरोमीथेन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक्लोरोमीथेन। द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज। इंडिया भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना है, कावेरी है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र है? तो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, वियना में है या टोक्यो में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में वर्ल्ड WTO का ऑर्गेनाइजेशन है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो ये हुआ था, स्थापना हुआ था 1945 में, हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री दैट वॉज
कंट्री दैट वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? रसिया को, जापान को, कोरिया को या हॉलैंड को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? कनाडा है, रसिया है, मालदीव है या वेटिकन सिटी है? तो सबको पता होगा कि वेटिकन सिटी ही देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट वाज, इंडिया का, भारत का जो पहला सेटेलाइट था वो क्या नाम था उसका? कोलंबिया था, ठीक है, भास्कर था, आर्यभट्ट था या रोहिण था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह, चमकता हुआ ग्रह किसको कहते हैं? मार्स को कहेंगे, मरकरी को कहेंगे, नेपच्यून को कहेंगे या वीनस को कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह जो होता है उसको वीनस कहते हैं, वीनस को ही चमकता हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट प्लैनेट इज, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? मार्स है, मरकरी है, नेपच्यून है या जुपिटर है? बताइए फटाफट, मार्स, मरकरी, जुपिटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुपिटर जो होता है सबसे बड़ा होता है, जिसको हम लोग बृहस्पति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज, कौन सा इसमें से? पुणे है, ट्रॉम्बे है, ठीक है, श्रीहरिकोटा है या थुम्बा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, लॉन्चिंग सैटेलाइट वहां से लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सूर्य से सबसे नजदीक का प्लैनेट कौन सा है? वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है या सैटर्न है? सबको पता होगा कि जो बुध ग्रह है उसको मरकरी कहा जाता है, और बुध ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा निकट है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट इज, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? कालाहारी है, थार है, कालाहारी है, सहारा है या सोनारन है? तो सबको पता होगा इसका आंसर सहारा होता है, ठीक है, और अगर इंडिया का बात करें तो भारत का थार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री दैट हैज द हाईएस्ट इन बार्ली प्रोडक्शन, बार्ली का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? चाइना करेगा, इंडिया करता है, रसिया करता है या फ्रांस करता है? तो ये रसिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बार्ली का। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, जो हमारा केंद्रीय चावल जो प्रवेक्षण संस्थान होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? चेन्नई में है, कटक में है, बेंगलोर में है या क्वेलियन में है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटक में, उड़ीसा का एक क्षेत्र है कटक, वहीं पे यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर सी वी रमन थे, डॉक्टर एच जे भाभा थे या एपीजे अब्दुल कलाम थे या डॉक्टर विक्रम साराभाई थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भाभा थे, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, इन्हीं के नाम पे है। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, मसूर को, मसूरी को, ठीक है, या कर्नाटका को, हैदराबाद को, जयपुर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होगा, मलेरिया होगा, डेंटल कैविटी हो जाएगा या एनीमिया होता है? तो ब्लड का जब कमी होता है, यानी आयरन का कमी होगा तो ब्लड का कमी होता है, जिसके चलते एनीमिया हमारा रोग हो जाता है। द स्टेट विच हैज डिजर्ट इन इंडिया, कौन सा स्टेट है जहाँ पे डिजर्ट है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में? तो राजस्थान में क्या है? डिजर्ट है, ठीक है, थार डिजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉफी बोर्ड इन इंडिया, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? मसूर में है, ठीक है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है या कोचिंग में है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलोर में है कॉफी संस्थान का हेडक्वार्टर। डीडीटी, डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा डीडीटी का इन्वेंशन हुआ था? मोसले के द्वारा, ठीक है, रिडल के द्वारा, कार्ल बेंच के द्वारा या डॉल्टन के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोसले बनाया था। और डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, इसको भी याद रखना है, इसको याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पूछता है एग्जाम में। विच इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा पोर्ट यानी जो बंदरगाह है इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? कोलकाता वाला है, कोची का है, चेन्नई का है या मुंबई का है? तो मुंबई का जो नावा सिवा बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है सबसे चीफ वो कौन सा होता है? प्रमुख अयस्क कौन सा है? आयरन है, क्रायोलाइट है, बक्साइट है या हेमेटाइट है? तो ये देखिए, ये बक्साइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरावती प्रोजेक्ट, जो सरावती प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में सरावती प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इज इन इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट में जो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सा स्टेट है? उड़ीसा में है, नागालैंड में है, केरला है, त्रिपुरा है? बताना इसका करेक्ट आंसर,
नागालैंड में इंग्लिश का जो ऑफिशियल अंगल जो लैंग्वेज होता है उसको सेट किया गया है, ठीक है। विच गैस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का यूज किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए, ठीक है। हु एमोंग द फॉलोइंग अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का जो शपथ ग्रहण करवाता है, जो इनको अपॉइंट करता है वो कौन करता है, लोकसभा करता है, राज्यसभा के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। तो जो इनको शपथ दिलाते हैं, जो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, वो करते हैं हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो कौन है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है या सारावती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी उड़ीसा में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन कहाँ पे है, बिहार में है, इलाहाबाद में है, वेस्ट बंगाल में है या गुजरात में है। तो देखिए जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरसा आर द स्कूल ऑफ, जो मदरसा होता है किस धर्म का स्कूल होता है, जैन का होता है, हिंदूज का होता है, मुस्लिम्स का होता है या क्रिश्चियंस का होता है। तो सबको पता होगा मदरसे में किसका पढ़ाई होता है, मुस्लिमों का स्कूल होता है। दी हाइएस्ट पिक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का अगर हाइएस्ट पिक का बात करें, सबसे ऊंची चोटी का बात करें साउथ इंडिया का, तो कौन है, एवरेस्ट है, डाडा बेटा है, नीलगिरी हिल्स है या अनामोदी है। तो जो लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी उनको पता होगा कि अनामोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियोन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है आग बुताने वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिबेलम होता है, मिड ब्रेन होता है, सेरिब्रम होता है या मेडुला ओब्लंगाटा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम जो होता है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज इज रेगुलेटेड बाई, कितना अमाउंट आंख में इंटर करना है उस चीज को रेगुलेट कौन सा पार्ट करता है हमारे आंख का, ठीक है। स्क्लेरा करता है, आयरिस करता है, प्यूपिल करता है या क्लियरी बॉडी करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरिस का काम है, आयरिस का काम यही होता है हमारे जो पुतली का काम होता है वो यही काम होता है कि बस आपके क्या करेगा वो आंख में कितना रोशनी इंटर करना है उसको रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर, मसल सेल्स होता है सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल्स होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो किसका पार्ट होता है, मसल सेल्स का होता है, नर्व सेल्स का होगा, ब्लड सेल का पार्ट होता है या ब्रेन स्टेम सेल का होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड सेल का, जो सबसे छोटा होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी में। द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी में सबसे जो कितना टोटल रिब्स होता है, तो देखिए 12 जोड़ा होता है, यानी अगर जोड़ा में रहता है तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, नहीं तो इसका 24 अभी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जोड़ा में नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय द इंडियंस, पहला जो बैंक था जो इंडिया गवर्नमेंट मैनेज किया था वो कौन सा बैंक था, उद कमर्शियल बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था या अलाहाबाद बैंक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक था, वो सबसे पहला बैंक था जो भारत के द्वारा ऑपरेट किया गया था कम्प्लीटली। हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के पिता किसको कहते हैं, अरिस्टोटल को कहते हैं, ठीक है, यूक्लिड को कहते हैं या पैथागोरस को कहते हैं या कैपलर को कहते हैं। तो ये यूक्लिड को कहा जाता है ज्योमेट्री का पिता। प्रोफेसर अमृत सेन जो है फेमस इन विच ऑफ द फील्ड, किस फील्ड से, ये अमृत सेन को प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है, तो इनको किस फील्ड से ये सिचुएटेड है, बायोकेमिस्ट्री से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं या जियोलॉजी से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक्स से, अमृत सेन को इनको इकोनॉमिक्स में प्राइज भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज, ठीक है, सत्यजीत रे एसोसिएटेड विद, सत्यजीत रे किस चीज से एसोसिएटेड है, क्लासिकल म्यूजिक से है, कमर्शियल आर्ट से है, फिल्म डायरेक्शन से है या क्लासिकल डांस से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फिल्म डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।